मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण, मूल प्रवृत्तियों का जो वर्गीकरण है वो ड्रेवर महोदय, वुडवर्थ महोदय और थार्नडाइक महोदय आदि विद्वानों ने किया है, लेकिन सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैकडूगल महोदय के अनुसार है। मैकडूगल का जो वर्गीकरण है वो मौलिक और सर्वमान्य है। इनके निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर इन्होंने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध एक संवेग से होता है। मूल प्रवृत्ति का जो संबंध होता है किससे होता है? संवेग से होता है। हमने इसके पूर्व की जो क्लास में वो संवेगों के बारे में पूरा पढ़ लिया है। संवेग 14 प्रकार के होते हैं, वो भी मैकडूगल के अनुसार ही हमने पढ़े थे। अब यहां पे हम मूल प्रवृत्ति संवेग के साथ किस प्रकार संबंधित है ये समझते हैं। जैसे भय जब अपने पास वाला जो संवेग आता है तो हम भय को देखकर क्या करते हैं? पलायन कर जाते, भाग जाते हैं। क्रोध आने पर हम क्या करते हैं? युद्धा होती है या फिर युद्ध प्रियता होती है, लड़ाई झगड़े करना होता है। घृणा होती है तो क्या होती है? घृणा किस कारण होती है? निवृत्ति के कारण हो सकती है, अप्रियता के कारण हो सकती है। वात्सल्यता जो जगती है वो किस कारण से? शिशु की रक्षा के लिए। कष्ट शरणागति के लिए या संवेदना के लिए। कामुकता काम के लिए। आश्चर्य जिज्ञासा और कौतूहल के लिए। अधीनता की भावना आत्महीनता के लिए। श्रेष्ठता की भावना आत्म प्रदर्शन के लिए। एकाकीपन की सामूहिकता के लिए। भूख भोजन की खोज के लिए। अधिकार की भावना संचयन और संग्रहण के लिए। रचना का आनंद रचना के लिए। और आमोद प्रमोद वाला हास के लिए। इस प्रकार मूल प्रवृत्तियों 14 प्रकार की होती है और ये 14 प्रकार के संवेगों से संबंधित होती है। अब इसके सिद्धांत की बात करें हम, मूल प्रवृत्तियों का रूप परिवर्तन करने वाली जो शक्तियां होती है वही इसके सिद्धांत भी होते हैं। यहां रास महोदय ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां चरित्र का निर्माण करने के लिए कच्चा माल है और शिक्षक को अपने सब कार्यों में उनके प्रति ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षक इस कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके ही बालकों के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। वह इस कार्य को निम्नलिखित विधियों या सिद्धांतों की सहायता से कर सकता है। पहला है सुख व दुख का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सुख और दुख के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे यदि बालक के अनुचित मूल प्रत्यात्मक व्यवहार को दुखद अनुभव से संबंधित कर दिया जाए तो वह उनको नहीं दोहराता। यहाँ पे वेलिंगटन महोदय कहते हैं कि हम में सुखद कार्यों को जारी रखने और दुखद कार्यों से बचने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा है प्रयोग न करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि प्रयोग न करने से मूल प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती है। उदाहरण के रूप में अगर हम ले तो यदि बालक में लड़ने की मूल प्रवृत्ति है तो उसे ऐसे वातावरण में रखा जा सकता है जहां उसे लड़ने का अवसर ही न मिले। परिणाम स्वरूप कुछ समय के बाद उसकी लड़ने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाएगी। अगला प्रयोग है दमन का सिद्धांत। दमन का अर्थ स्पष्ट करते हुए रैक्स और नाइट महोदय कहते हैं कि दमन के संबंध में वास्तविक तथ्य यह है कि हम मूल प्रवृत्ति का अनुभव तो करते हैं पर हम उसको प्रकट नहीं होने देते हैं। जैसे माता पिता और शिक्षक बालकों की मूल प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उन्हें दंड देते हैं, डांट फटकार करते हैं या कठोर नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। इस विधि में मूल प्रवृत्ति
कुछ ही समय के लिए शांत होती है और अवसर मिलने पर वह फिर उमड़ कर घातक सिद्ध हो सकती है। उदाहरण के रूप में दमन की हुई संचय की प्रवृत्ति चोरी डाका लूटमार आदि का रूप धारण कर सकती है। अगला है निषेध या निरोध का सिद्धांत। निषेध का साधारण अर्थ होता है प्रतिबंध या रुकावट। इस विधि का प्रयोग मूल प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता को रोकने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में ले तो काम प्रवृत्ति की क्रियाशीलता को रोकने के लिए किशोरों और किशोरियों को एक दूसरे से अलग रखा जा सकता है। इस विधि के संबंध में गैट्स और अन्य लोग कहते हैं कि निरोध में प्रवृत्ति का संचेत रूप में अनुभव किया जाता है और कार्य रूप में व्यक्त न होने देने के लिए सचेत रूप को रूप से रोका जाता है। अगला आता है विरोध का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि किसी मूल प्रवृत्ति के जागृत होने पर उसके विरोध में किसी दूसरी मूल प्रवृत्ति को उत्तेजित कर देना चाहिए। ऐसा करने से पहली प्रवृत्ति अपने आप ही निर्बल हो जाती है। उदाहरण के रूप में काम प्रवृत्ति के प्रबल होने पर निवृत्ति की प्रवृत्ति को जागृत कर देने से काम प्रवृत्ति स्वयं ही शिथिल हो जाती है। अगला है मार्गांतिकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है मूल प्रवृत्ति की क्रियाशीलता को अच्छे कार्य या अच्छी दिशा की ओर मोड़ना। उदाहरणार्थ अगर हम ले तो बालक की लड़ने की मूल प्रवृत्ति को व्यर्थ के लड़ाई झगड़ा करने की दिशा से हटाकर समाज सेवा और दीन दुखियों की रक्षा करने की दिशा में मोड़ा जा सकता है या सेना में भर्ती किया जा सकता है। इस विधि की सराहना करते हुए एविल महोदय कहते हैं कि बालक की सहायता करने की सबसे संतोषजनक विधि उसकी मूल प्रवृत्तियों को मार्गांतिकरण द्वारा प्रोत्साहित करना है। इसका शिक्षा में उपयोग, मूल प्रवृत्तियों का शिक्षा में किस प्रकार से हम उपयोग ले सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यवहार में संशोधन करना है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की मूल स्रोत है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल प्रवृत्तियों का विशेष महत्व इसलिए भी है कि उनमें संशोधन कर सामाजिक मान्यता प्रदान करती है। रास मोदे कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां व्यवहार के अध्ययन के लिए अति आवश्यक है, अतः शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार में उसकी बहुत अधिक महत्ता है। मूल प्रवृत्तियों के महत्व का मुख्य कारण यह भी है कि वे शिक्षक और छात्र दोनों की विभिन्न प्रकार से सहायता करती है। किस प्रकार क्या क्या कर सकती है? पहला है प्रेरणा देने में सहायता। शिक्षक बालक की मूल प्रवृत्तियों का प्रयोग करके उनको नए विचारों को ग्रहण करने की प्रेरणा दे सकता है। इस विधि को अपनाकर वह अपने शिक्षक और शिक्षण और शिक्षा प्रक्रिया को सफल बना सकता है। इसका कारण बताते हैं एविल महोदय कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां स्व प्रकृति की प्रेरणा देने की मौलिक विधि है। दूसरा है रुचि व रुझान जानने में सहायक। बालकों की मूल प्रवृत्तियां उनकी रुचियों व रुझानों की संकेत चिन्ह है। शिक्षक को उनकी पूरी जानकारी होना चाहिए। यह जानकारी उसे पाठ्य विषयों और शिक्षण विधियों का चुनाव करने में सहायता दे सकती है। अगला है ज्ञान प्राप्ति में सहायक। बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति ज्ञान प्राप्त करने में अद्भुत योग देती है। शिक्षक इस मूल प्रवृत्ति को जागृत करके बालकों को ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अगला है रचनात्मक कार्यों में सहायता। बालकों में रचना की मूल प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, इसलिए उनको रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। इन कार्यों का स्व शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है।
शिक्षक बालकों की रचना प्रवृत्ति का विकास करके उनको रचनात्मक कार्यों द्वारा स्वज्ञान का अर्जन करने में सहायता कर सकता है। अगला है व्यवहार परिवर्तन में सहायता। शिक्षक बालकों की मूल प्रवृत्तियों को रूपांतरित करके उनके व्यवहार को समाज के आदर्शों के अनुकूल बना सकता है। ऐसा किए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए बीएन झा कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को विभिन्न प्रकार का व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करती है। कोई भी सभ्य मानव समाज इनमें से सबको मौलिक रूप से स्वीकृति नहीं देता। अगला था चरित्र निर्माण में सहायता। शिक्षक बालकों की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करके उनके चरित्र का निर्माण कर सकता है। इस संबंध में रास महोदय कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां ईंटें हैं जिनसे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण किया जाता है। ये शिक्षक को अपनी प्राकृतिक दशा में मिलती है। उनका महान कर्तव्य इनको परिवर्तित और परिष्कृत करना है। अनुशासन में सहायक। बालक चोरी, उद्दंडता, लड़ाई झगड़ा, अनुचित आचरण आदि अनुशासनहीनता के कार्यों को तभी करते हैं जब उनकी मूल प्रवृत्ति उचित दिशा में निर्देशित नहीं होती। शिक्षक उनकी मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतिकरण करके उनमें अनुशासन की भावना का विकास कर सकता है। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक। पाठ्यक्रम निर्माण का आधारभूत सिद्धांत बालकों की मूल प्रवृत्तियां होनी चाहिए। उनकी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने वाला पाठ्यक्रम ही उनके लिए हितप्रद हो सकता है। अतः विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों का निर्माण करते समय शिक्षकों को बालकों की मूल प्रवृत्तियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।